ওই বাথু বাবা একটা মহাদেব ভোলা বাবা স্থান যাইছে 800 মিটার দূর, এটা 800 মিটার দূর একটা ভোলা বাবা স্থান যাইছে আর মন্দির যাইছে। जय मिथिला, हम रंजीत कुमार झा मिथिला संस्थक सँ आज हम पहुँचल छी कलवाही प्रखंड के सहंकरपुर गांव में। और इतना एहन समस्या है जे इतना से 800 मीटर दूर जत हम एखन छी ओतय से 800 मीटर दूर बथु बाबा स्थान छै, जत माघ मास में मेला लागे छै, ओतय लाखों के लाखों संख्या में लोग आबै छथिन पूजा करे के लेल, मेला घूमे के लेल। अहां सब के बता दी जे एता वह समस्या छै जे अपन बिहार में समस्या छै, ओ छै रोड। कैमरामैन के कबन कनी इमर घुमा के देखे थीन जे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छै और ई पथ के नाम छै चैती दुर्गा मंदिर से बथु बाबा स्थान सोहंकरपुर रोड। और एकर कार प्रारंभ के तिथि छलैया 8 जून 2020 आ कार्य समाप्त के तिथि छलैया 7 मार्च 2021। एखन 2022 जनवरी चलै छै और ई 2021 में समाप्त भेले, 10 महीना भ गेलै, 10 महीना समाप्त भेला भ गेले ई रोड के। और एकर राशि छै अहां सबके बतायब जे 52,85,770 रुपया। और एकर कैमरामैन के कमन कनी जूम क के देखेथिन राशि। और संवेदक के नाम छन श्री संजीव कुमार मिश्रा जे कपसिया निवासी छथिन। और ई रोड के एहन स्थिति छै जे अहां के देखायब तो शरम आयत। कैमरामैन के कवन कनी रोड देखे थीन और जूम कह देखे थीन जे देखियो ई बथु बाबा एकटा महादेव भोला बाबा स्थान जाय छे 800 मीटर दूर, एतय से 800 मीटर दूर एकटा भोला बाबा स्थान जाय छे और मंदिर जाय छे। जहन अहां सरकार मंदिर के एकटा रास्ता नहीं बना सकै छै, अपन घर में टाइल्स लगाबै छियै, अपन घर में टाइल्स के व्यवस्था केने छियै, लेकिन एकटा मंदिर के रास्ता छै ओई में एकटा गिट्टी द क छोड़ देने छै। कैमरामैन के कहबन जे कनी जूम क क नीचा से देखे छी जे देखियो ई स्थिति छै रोड के, जे सिर्फ मिट्टी से गिट्टी द क द देलकी। ई 52 लाख रुपया गेलै त गेलै कत? हम सरकार से पूछै छियन, ए क्षेत्र के विधायक से पूछै छियन जे 52 लाख रुपया कता गेले, किनका जेबी में गेले। ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करबे और समस्या कैमरामैन के कमन कनी धीरे धीरे थीन। और ई एतै नहीं, एतै सलक बथु बाबा स्थान 800 मीटर। कैमरामैन के कमन बथु महादेव बाबा छथिन, उनका जूम क के कनी देखात। हम सब अहाँ सब ओतो पहुँचल छी और ओतय तक यह स्थिति छै। देखियो यह स्थिति छै, बथु बाबा स्थान आबि चुकल छी और एतय यह समस्या छै। देखियो रोड एहने केहने छै, आइ से 10 महीना भ गेलै समाप्ति भेला रोड के, जे 52 लाख रुपया के लागत से रोड छै। और कैमरामैन के कमन आगा थीन और स्थिति देखथिन जे बाबा के दरबार छै, भोले बाबा के दरबार छै, आइ अपन घर में ओइ सरकार के पुछबन, नेता के क्षेत्र के पुछबन जे अपन घर में टाइल्स लगने हथिन। लेकिन एकटा भगवती के दरबार छै, एकटा भोला बाबा के दरबार छै, एकटा भोला बाबा के मंदिर छै, ओतय एकटा रोड नै छै। कत्ते समस्या होतै जे मंदिर में अहाँ रोड नै बना सकै छियै, ओ अपन घर में बनेला से कोन फायदा? पहिले भगवान तहन लोग अपन धिया पुता, पहले भगवान पर एक बार ध्यान दियो जे बाबा के मंदिर तक रोड नै छै। कैमरामैन के कबन कनी मंदिर देखे थीन जूम क क। यह मंदिर छै बथु बाबा के मंदिर।
और एता पंडा छथिन उनका से दू लाइन हम बात करवाना एता पूछवान जे की समस्या छे ई रोड के किया ने बनले। कैमरामैन के कवन कनी पंडा जी से बात करथिन। आके नाम की है? नाम का बे कनी राहुल कुमार गिरी। एता के की छिए यहां? पंडित जी छिए। ई पंडित जी छत और एता ही जे यहां के मंदिर के बगल से जे रोड गेला सोहंकरपुर रोड किया ने बनले की समस्या बुझले? सर ठेकेदार पैसा खा गेले ई दुआरे में नहीं बनल। और एत सुन में आला जे बहुत बड़का मेला लागे छे लोग पूजा करावे छे कुन दिन रहे छे? ओ चतुर्दशी मेला छे माघ में। माघ में कहिया छे? बाद रवि दिन रहत संडेवार रहत। तारीख? तारीख 30 तारीख के तो जे लोग सब आबे छे तो लोग तो रोडो के बारे में कह देता है। हां बहुत आदमी कहे छे कि अखन तक ने पुजेगी सब के बहुत दिक्कत होय छे आबे में पैदल सब चीज के दिक्कत होय छे। देखियो पंडो जी साहब बात कहे छथिन और एता हां सब से कहब जे 30 तारीख का मेला एता लगते एता लाखों के लाखों जनसंख्या में लोग पूजा करे ले आवे छथिन और अहु सब अबियो ऐ मेला में और एक बेर बाबा के दर्शन करियो। और ऐ के जस्ट बगल से जीवच धार निकलल छै ओता स्नान करियो और बद्दू बाबा के पूजा करियो। और अहां सब के बता दी जे ई रोड जे हम एखन सोहंकरपुर वाला रोड देखलौ हैं ओ लोहा में मिल रही है जे लोहा कपसिया छै ओ रोड में मिल रही है और ई बहुत नीक जगह छै। और सबसे पैघ खासियत छै जे मंदिर एकटा भोला बाबा एकटा साइड में छथिन एकटा गांव से 800 मीटर दूर में छथिन घर द्वार से 800 मीटर दूर में एकटा बाध में छथिन बाबा और एता लाखों के लाखों जनसंख्या में लोग पूजा करे ले आबै छथिन। तो अहू सबसे आग्रह निवेदन जे एक बेर तबियो बाबा के पूजा करियो। और हम रंजीत कुमार झा कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मिथिला सस्तक से वीडियो के लाइक शेयर कमेंट जरूर करबे। प्रणाम।